आपके साथ चरणजीत फैन। खूबसूरत भला किसे अच्छा दिखना नहीं लगता है, मतलब हर कोई चाहता है कि हर कोई खूबसूरत दिखे। मैं चाहती हूँ मैं खूबसूरत दिखूँ, आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत हैं। ये ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को एनहांस करता है बल्कि ये आपके हेल्थ को भी सिग्निफाई करता है कि आप अच्छा दिखें। लेकिन यार खूबसूरत दिखने के लिए आपकी स्माइल अच्छी होनी बहुत जरूरी है, और स्माइल के लिए आपके दांत अच्छे होने बहुत जरूरी है ना। तो आज के सफर में हम बात करेंगे डेंटल केयर की ही, कैसे आप पा सकते हैं हेल्दी और खूबसूरत दांत। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आयुष शर्मा जो कि डेंटिस्ट है। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून। तो कैसे रखें आप अपने दांतों को मजबूत और शाइनी, और कैसे रखें इनका ख्याल दांतों के दर्द से, और कैसे बचा जाए, इसी पर है हमारी आज की खास पेशकश। एक्सपर्ट से सवाल करना चाहते हैं तो कॉल करें, हमारा नंबर है 01207153431, 01207153432। दांतों के दर्द से अगर आप परेशान हैं, कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01207153431, 01207153432। तो फ्रेंड्स कैसे रखें दांतों का ख्याल, इनकी खूबसूरती को बढ़ाएं और कैविटी को दूर भगाएं, किन किन चीजों से रहें सावधान, ये जानने के लिए देखिए पहले ये खास रिपोर्ट। दांतों का नाता न केवल चेहरे की खूबसूरती से है बल्कि दांतों के बिना जिंदगी भी मुश्किल हो जाती है। हम में से ज्यादातर लोग दांतों की देखभाल और साफ सफाई को गंभीरता से नहीं लेते हैं। यही लापरवाही दांतों की तमाम बीमारियों का कारण बनती है। ऐसे में जरूरी है कि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। दांतों की नियमित सफाई करें, ब्रश के बाद जीभ भी जरूर साफ करें, खाने में कैल्शियम और प्रोटीन युक्त पदार्थ बढ़ाएं, जरूरत से ज्यादा मीठा खाने से बचें, एकदम से ठंडा गर्म खाने से बचें, अल्कोहल का ज्यादा सेवन ना करें, दर्द निवारक दवाइयों का ज्यादा सेवन ना करें, डॉक्टर की सलाह से टूथपेस्ट का चुनाव करें, हर 6 महीने में टूथब्रश बदलें, रेगुलर इंटरवल्स में दांतों की जांच करवाएं। हंसी तो वो है जिसने आपके दांतों का स्वास्थ्य छलके, इसलिए जरूरी है कि आप अपने दांतों की खास देखभाल करें। बदलते लाइफस्टाइल और खान पान की गलत आदतों की वजह से आजकल दांतों से संबंधित कई प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और ऐसी ही एक प्रॉब्लम है डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। दांतों में कैविटी भी आजकल आम समस्या है। अलग अलग लोगों में इन समस्याओं की होने की अलग अलग वजह होती है। दांतों की देखभाल करना ना तो कठिन है और ना ही खर्चीला, बस जरूरत है तो बचपन से दांतों की सफाई की आदत डालने की। तो अगर आपके दांतों में पैचेस नजर आते हैं, खाना दांतों में फंसने लगता है, ठंडा गर्म लग रहा है, तो ऐसे में डेंटिस्ट से मिलने में देरी जरा भी ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल, दांतों के दर्द से परेशान है क्योंकि दांतों का दर्द जो होता है ना बहुत ही खतरनाक होता है। दांतों का दर्द अगर शुरू हो जाए तो फिर आपके सर में भी दर्द होने लगता है और पूरा का पूरा आपका दिन जो है पूरा दिनचर्या ही खराब हो जाता है। और मेरे साथ भी अभी पीछे ये प्रॉब्लम हुई थी और मैं बहुत बुरी तरीके से फंसी थी। सर आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि दांतों की केयर हम कैसे करें कि ये सब प्रॉब्लम राइज ही ना हो। देखिए सबसे जरूरी है दो चीजें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हाइजीन जी, कि आप अपने दांतों को साफ रखिए जी। सुबह तो सब ब्रश करते हैं बिल्कुल, बट रात को सोने से पहले जो ब्रश करे उसको लाइफ में कभी भी कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ओके। और जो दूसरी चीज है आजकल का लाइफस्टाइल और खाने की हैबिट्स जी। अगर खाने की हैबिट्स हमारी अच्छी है जी, तो हमारे दांतों में कभी दर्द नहीं हो सकता है। ओके। जो हमारा शुगर लेवल है वो कम होना चाहिए जी। स्वीट अगर खाएं तो साथ में ब्रश करें या अच्छे से रिंस करें जी। तो जस्ट दीज थिंग्स अबाउट हाइजीन
आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दांतों में। बिल्कुल बिल्कुल, हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा। और डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि आप अगर कुछ मीठा खाते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है, मुझे भी मीठा बहुत पसंद है, तो अगर आप मीठा खाते हैं तो उसके बाद प्लीज 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 ब्रश करें प्रॉपर तरीके से। रात को भी खाने के बाद ब्रश जरूर करें, कुछ लोग नहीं करते बस कुल्ला कर लेते हैं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रश योर टीथ आफ्टर डिनर ऑल्सो। और आमतौर पर भी अगर आप दोपहर में भी खाना खाते हैं तो कुल्ला करना बहुत जरूरी हो जाता है। और डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आजकल कैविटी की प्रॉब्लम जो है वो आमतौर पर देखी जाती है हर किसी के दांत में, मतलब कुछ नहीं तो एक दो कैविटीज तो मिल ही जाएंगी आपको, तो इसका क्या वजह हो सकती है? इट्स अगेन द अमाउंट ऑफ शुगर कंटेंट। जी आजकल जो हमारा शुगर कंटेंट है खाने में वो बहुत ज्यादा है, टॉफीज हैं, चॉकलेट्स हैं, हर चीज में, छोटे छोटे बच्चे आज की डेट में सब में कैविटी हो रखी है, बिकॉज फ्रूट्स पे और ड्राई फ्रूट्स और जो हेल्थी चीजें हैं उस पर कम जोर दिया जाता है और अनहेल्थी डाइट ज्यादा मेंटेन की जाती है। बिल्कुल, तो अगर वो चीज अवॉइड की जाए या लिमिटेड लेवल पे की जाए तो बेटर रहेगा और कैविटीज कम दिखेंगे हमें। बिल्कुल बिल्कुल, चॉकलेट खाना, टॉफीज खाना हम सबको पसंद होता है, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हम लोगों को भी, बड़ों को भी चॉकलेट खाना बहुत पसंद होता है, तो अगर चॉकलेट खाएं वैसे तो कम खाएं, और अगर खाएं तो आप ब्रश शुरू करें टीथ को और अपने दांतों का ख्याल रखिए। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना नाम बताएं। हेलो। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना अपना सवाल कीजिए। हेलो जी बताएं। परमजीत सिंह जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, जी आप अपना सवाल कीजिए। मैडम जी दंदा के खून आता है, दर्द होते हैं। अच्छा, दांत में से खून आता है इनके और इनके दर्द होती है, सर बताइए। जो आपके दांतों में खून आ रहा है वो आपकी दो वजह से हो सकता है, एक आपके दांतों में बहुत बड़ी कैविटी हो या आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो। दोनों चीजों के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाके अपने इस चीज का इलाज कराएं, एक एक्सरे कराएं कि क्या सोर्स है, सबसे पहले ये जानना चाहिए। अगर सोर्स आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है तो उनकी सफाई हो सकती है और बाकी इलाज हो सकता है, ताकि हाइजीन से ही आपका मेंटेन करके ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाइजीन का बार बार बता रहे हैं डॉक्टर साहब की हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, आप हाइजीन मेंटेन कीजिए। और विटामिन सी की कमी से भी हो सकता है डॉक्टर साहब ये, तो आई होप कि आपको विटामिन सी आप अच्छे से ले रहे हो, आपको विटामिन सी रिच जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब लेना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना नाम बताएं। जी मैं अभिषेक मधुबनी से। जी बताइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। जी नमस्कार, मेरा जीव जो है ना, मतलब जीव का रंग काला हो गया, वही जानना था। अच्छा बताए डॉक्टर साहब। अगर आपका जीव काला हो गया है तो या तो आप उसको साफ नहीं कर रहे हैं ढंग से, या आपने कोई ऐसी चीज खाई है जिसकी वजह से जीव के ऊपर आपके दाग पड़ गए हैं कुछ। अच्छे से साफ करिए, तीन चार बार साफ करिए दिन में, लेकिन अगर हफ्ते बाद भी ये दाग आपके कम नहीं होते हैं तो एक सरकारी अस्पताल या पास में किसी भी डेंटिस्ट के यहाँ जाके दिखाइए कि इसके ऊपर कोई अनवांटेड ग्रोथ ना हो गई हो बस। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखाना बहुत जरूरी है, अगर आप जीभ अच्छे से साफ नहीं कर रहे तो ये भी एक रीजन हो सकता है। अच्छे से टंग क्लीनर लेकर टंग क्लीन किया कीजिए, और साथ में अगर और प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना नाम बताएं। हेलो। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। ओम प्रकाश नाम है जी। ओम प्रकाश जी, आप सवाल कर सकते हैं अपना। डॉक्टर साहब ये दांतों का दर्द ना, जैसे पहले मैं इलाज करा था, इसमें कैविटी है तो इलाज करवाया, लेकिन एक तो दांतों उखाड़ दिए वो, बाकी आगे कैविटी है उसका कोई इलाज नहीं हुआ। वो बोले थे जी बताइए, वो आरसीटी करते हैं कोई, वो किए उसके बाद बोले इसमें कवर लगवा के आना फिर इलाज होगा, और कवर के लिए मैं वहाँ बोला तो वो लोग मना कर दिए कि हमारे पास ये सुविधा भी अगर नहीं है बाहर लगाइए। अच्छा, जब भी आप रूट कनाल कराते हैं या आरसीटी कराते हैं उसके बाद दांत थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, इसलिए आपको इस चीज का सुझाव दिया गया है कि आप जाके उस पर कैप लगवाएं एक। अगर जिस सेंटर में आप जा रहे हैं वहाँ पे नहीं है तो बेटर है कि आप किसी दूसरे सेंटर में जाके कैप जरूर चढ़वाएं उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, कैप जो होता है वो लगवाना बहुत जरूरी होता है आरसीटी के बाद,
तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आरसीडी के बाद आपको कैप लगानी है, तो अगर आप जहां पे जा रहे हैं वहां नहीं है तो आप किसी और क्लिनिक पे जाके कैप जरूर लगवाइए, क्योंकि वो बहुत जरूरी हो जाता है, उसके बाद ही आपका बाकी का इलाज हो सकता है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना नाम बताएं। हेलो। हेलो जी, आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। जी अंकल, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, दांत पीले हो गए हैं, कैसे वाइट होंगे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने डॉक्टर साहब। आजकल हर किसी के ये प्रॉब्लम है कि दांत पीले हो रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है ये कि दांत पीले हो गए हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि दांत पीले क्यों हुए हैं आपके? क्या आपकी इंटरनल स्टेनिंग है? जब दांत हमारे बनते हैं तब पानी में अगर फ्लोराइड लेवल ज्यादा होता है तो हो सकता है कि आपके दांत जो बने हैं वो ही पीले बने हैं, जैसे स्किन का कलर होता है ऐसे। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो फिर तो हमें आपको लाइक दांतों के ऊपर यू हैव टू गेट कैपिंग डन या कोई और प्रोसीजर। अगर आपके दांत पीले हैं किसी गंदगी की वजह से तो वो आपकी टीथ व्हाइटनिंग हो सकती है, सफाई हो सकती है और फिर से आपको अपने चमकते हुए दांत मिल सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको सजेशन दिया, आप उस पर फोकस कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। और यहाँ पर इस वक्त समय हो गया छोटे से ब्रेक का, छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। मैं रोहित मिश्रा, मैं मीडिया में आकर एक रिपोर्टर बनना चाहता हूँ। यहाँ पर मौजूद सभी पत्रकार अपना अनुभव शेयर करते हैं, रिपोर्टर्स के साथ ऑन फील्ड जाने का मौका मिलता है और रिपोर्टिंग के हर एक एस्पेक्ट को सीखने का मौका मिलता है। अगर आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं तो आप भी ज़ीमा ज्वाइन करें और अपना बेहतर भविष्य बनाएं। अगर आपका भी है ऐसा ही सपना तो आज ही ज्वाइन करें देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क जी मीडिया का इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। एडमिशन शुरू हो चुके हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन zeemainstitute.com और कॉल 0120-715-3964। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं दांतों के दर्द की। अगर आपके दांतों में बहुत दर्द है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस वक्त हमारे साथ दांतों से दर्द से परेशान है मेरे ख्याल से कॉलर जुड़ गए हैं। आपका आप भी बताइए कि आपका क्या सवाल है, अपना नाम बताएं। हेलो जी, आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार हुआ जी। अजय, आपसे गुजारिश है कि आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए, आपकी आवाज इको हो रही है। मैम बंद कर रहे हैं जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मेरे दांत थोड़ा सा पीला पड़ गया, थोड़ा सा रेड टाइप में हो गया ना। ओके डॉक्टर साहब बताएं, आपका दांत पीला पड़ गया है? और आपका दांत पीला पड़ गया है और क्या दिक्कत है? लगता है इनसे संपर्क टूट गया है, तो आप बताइए डॉक्टर साहब पीला पड़ने के लिए इनको क्या करना चाहिए? पीला पड़ने का कारण एक होता है या तो कोई एक्सटर्नल स्टेनिंग हो जाए दांत के ऊपर, जैसे हल्दी की वजह से या कोई भी हमारा कोई डाइट है उसकी वजह से, या दूसरा होता है कभी कभार अगर दांत पे कोई चोट लग जाए जी, जाने अनजाने में कभी बॉल लग गई, कभी बच्चे का हाथ लग गया, कभी कुछ लग गया, तब भी ऐसा हो सकता है कि दांत इंटरनली वो हो जाता है डेड। डेड होने के कारण धीरे धीरे दांत का रंग चेंज हो जाता है व्हाइट से पीला, पीले के बाद वो पड़ जाता है थोड़ा सा ग्रेश, लास्ट में पड़ जाता है एकदम डार्क ब्लैक। तो बस सोर्स फाइंड करना है कि किस वजह से हुआ है पीला, वो एक एक्सरे लेंगे तो उससे हमें सब क्लियर हो जाता है यूजली। बिल्कुल बिल्कुल, तो यानी कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको एक्सरे करवाने की जरूरत है, आप एक्सरे कराइए पहले, इसका कॉज पता लगेगा कि क्या है मेंटेनिंग कॉज, और अगर कॉज पता लग जाएगा तो ऑब्वियसली इसका इलाज उस तरीके से किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना नाम बताएं, सवाल करें। मेरा नाम पंकज है जी। पंकज बताएं। मेरा दांत में कैविटी हो गया है तो वही मुझे ठीक कराना था। अच्छा,
तो डॉक्टर साहब इनको सजेस्ट कीजिए इनको क्या करना चाहिए और किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जी देखिए, दांतों में कैविटी आपके या तो खाना अटका है कहीं पे इस वजह से हो सकता है, या आप ढंग से ब्रश नहीं कर रहे हैं इस वजह से हो सकता है। डेंटिस्ट की मजबूरी ये होती है कि हमारे इक्विपमेंट्स बहुत छोटे होते हैं, हमें मुंह के अंदर काम करना होता है, तो बहुत सावधानी से और बहुत ध्यान से करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी आपके जो पास में डेंटिस्ट है उनके पास जाए, ताकि हाइजीनिकली स्टेरिलाइज एनवायरमेंट में आपकी कैविटी को हटाया जाए और उस पर फिलिंग करी जाए, ताकि वो आगे ना बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, आगे ना बढ़े और आप जल्दी से जाके कैविटी अपनी दिखाइए, क्योंकि अगर ये बढ़ गई तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं रणधीर वैशाली से, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। रणधीर अपना सवाल कीजिए। जी रणधीर बताइए। हेलो, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे डिसकलरेशन की, हम एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि जैसे येलोइशनेस हो जाती है टीथ में ज्यादातर, क्योंकि बात करें तो कॉस्मेटिकली भी देखें तो ये अच्छा नहीं लगता है कि अगर किसके दांत पीले हो, क्योंकि आजकल तो ग्लैमर इंडस्ट्री में तो हर कोई चाहता है कि दांत अच्छे दिखने बहुत जरूरी है, तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए और हम घर में भी ऐसी किन चीजों से अपने दांतों को अपने दांतों की केयर कर सकते हैं? ये देखिए, स्माइल एक ऐसी चीज है जो कि फर्स्ट इम्प्रेशन आपका आपके स्माइल से पड़ता है। जी बिल्कुल। तो कोई अगर आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो सबसे पहले 70% इज द स्माइल का फैक्टर। बिल्कुल। तो अगर स्माइल अगर आपकी इज नॉट वेरी वेरी अपीलिंग, तो आपको अपने आप से शर्म आती है कि हंसे नहीं हंसे, खुल के हंसे नहीं हंसे, या हाथ रख के हंसे। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि एटलीस्ट दिन में 2 बार सफाई करें। और जहां तक व्हाइटनिंग का सवाल है, व्हाइटनिंग इज डन बाय सम एसिड टेक्निक, जो कि हम रिकमेंड करते हैं कि आप घर पे ना करें और डेंटिस्ट के यहाँ जाके ही कराएं, बिकॉज इट इज अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। जिस परसेंटेज पे हमें यूज करना है, जो टाइम के लिए यूज करना है, आपके अंदर ना जाए, सिर्फ दांतों पे रहे, तो इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर एंड इट शुड बी डन ओनली अंडर अ डेंटिस्ट हैंड। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया इस तरीके से, ये वो तरीके हैं जिनसे हम डिस्कलरेशन को भी ठीक कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ ग्लैमर की बात हो रही थी तो एक कॉलर ऋतिक जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। ऋतिक आप पूछिए अपना सवाल। ऋतिक आपसे गुजारिश है आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। ऋतिक से हमारा संपर्क टूट गया है, आपसे बार बार गुजारिश है, हम सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि आपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम प्लीज कम करिए जब भी आप हमें कॉल करते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं रिंकू वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिंकू, आप बताइए आपको क्या सवाल करना है? हेलो। हाँ जी जी रिंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल बताइए। रिंकू नहीं जी, संतोष बोल रहे हैं हम, धन्यवाद। संतोष बोल रहे हैं जी। संतोष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, माफ कीजिएगा, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, हमारे दांत का नीचे जो भी पूरा जितना दांत है सबका हड्डी अपने आप ही घिस रहा है। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, बताएं। जो आपका हड्डी घिस रहा है इसका कोई ना कोई मेडिकल रीजन भी हो सकता है, जिसके लिए आपको अपना विटामिन लेवल, डी लेवल, विटामिन डी, आपका पूरा जनरल एक चेकअप कराइए, ताकि पता लगे कि आपका इतना बोन लॉस क्यों हो रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों में काफी बोन लॉस दिखा जाता है, तो आप कृपया जाके अपना चेकअप कराइए कंप्लीट फुल बॉडी, क्योंकि बोन लॉस दांतों के बाद बहुत कम देखा जाता है। इसलिए तो जैसे कि सर ने आपको सजेस्ट किया आप वो फॉलो कीजिए टिप्स, आपको बहुत फायदा होगा। और इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना नाम बताएं, सवाल करें। हेलो। हेलो जी। जी रिंकू वर्मा। जी रिंकू जी, कैसे हैं आप अपना सवाल कर सकते हैं? जी जी, मतलब ये हम जानना चाहते हैं, जैसे कि कुछ साल पहले जैसे कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया गया था, ठीक है, लेकिन वो सही ना होने के वजह से जैसे कि गैसिंग हो गया है। जी बताइए सर। देखिए, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में क्या करता है, तारों से आपके दांतों को सीधा किया जाता है। तारों को जब सीधा किया जाता है उसके बाद दो चीजें डिपेंड करती है कि किस टाइम तक आपका ट्रीटमेंट किया गया है। अगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है तो भी आपका ट्रीटमेंट स्टेबल नहीं होता है, गलत टेक्निक से किया गया है तो भी स्टेबल नहीं हो सकता है, किसी स्पेशलिस्ट ने किया है या नहीं किया है, और ट्रीटमेंट होने के बाद कि आपने अपने रिटेनर्स पहने हैं या नहीं पहने हैं, तो स्टेबिलिटी आपकी उसी के बाद ही आएगी। अगर गैप आए हैं तो कृपया वापस दिखाइए कि क्यों गैप आए हैं और इस फॉल्ट को फिर से करेक्ट कराइए।
बिल्कुल, तो जैसे डॉक्टर साहब ने आपको सजेस्ट किया, आप वो सब चीजों को का ध्यान रखिए, और अगर आपको दिक्कत ज्यादा हो रही है तो डेंटिस्ट के पास भी जा सकते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना नाम बताएं, सवाल करें। हेलो, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे डिस्कलरेशन की, हमने बात करी कैविटी की, बात करी, और भी दांतों में कई तरीके की तकलीफें होती रहती हैं, जैसे कि यू नो अगर हम हाइजीन का ख्याल नहीं रखते उससे तो हमें प्रॉब्लम्स होती ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे जैसे होता है ना कि पस फॉर्मेशन हो जाता है दांतों के अंदर, तो वो पस फॉर्मेशन होने का क्या रीजन होता है? देखिए, एक तो सबसे पहली बात है, दांत का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है जी, और उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए जी तो उसको क्योर करना बहुत सिंपल नहीं होता है जी। अगर ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा सा भी बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन अंदर रह जाए जी, तो वो धीरे 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 डेवलप होके पस बन जाता है जी। तो इसलिए जरूरी है कि सारे अपने रेगुलर फॉलोअप्स कराते रहिए डेंटिस्ट के साथ, हर छह महीने में एक चेकअप कराते रहिए, पोस्ट ट्रीटमेंट अपने सारे जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करिए, ताकि अगर पस बन भी रही है तो वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट होके क्योर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पस अगर बन रही है तो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट होके क्योर हो जाए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट नहीं होती है तो वो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं मेरा समाधान कीजिए ना। जी जी, बताइए, आप अपना सवाल कीजिए। ये जो है दांतों में मसूड़ों में जो है कालापन हो गया, तो इसको दूर करने का उपाय बताएं डॉक्टर साहब। कालापन आपका किस वजह से हुआ है ये पहले आप चेक करिए, कि आप कोई पान मसाला खाते हैं या कोई ऐसी चीज खाते हैं जिसकी वजह से आपके दांत काले पड़ गए हैं। अगर ये दाग अगर आपके इनिशियल लेवल पे है, शुरुआत के लेवल पे है, तो आराम से साफ होकर जा सकते हैं, लेकिन अगर ये बहुत टाइम से अगर आप खा रहे हैं या ऐसी कोई हैबिट है आपकी, तो ये स्टेन्स भी काफी टाइम बाद परमानेंट बन जाते हैं। इस केस में या तो आप कैपिंग करा सकते हैं ताकि वो फिर से आपके सफेद बढ़ जाए, या फिर आप इनके नए लगवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ने आपका सजेशन दे दिया है, अब उस सजेशन को, उन प्रिकॉशंस को फॉलो करना आपके हाथ में है, और अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं, किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए जिससे इस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज ही ना हो, जैसे कि कैविटी, डिसकलरेशन आजकल आम हो गया है, येलोइशनेस ऑफ टीथ, ये हर किसी की प्रॉब्लम रहती है आज की डेट में। और डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम भी बहुत होती है आजकल, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं आनंद पटना से, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आनंद, अपना सवाल कीजिए। हेलो हेलो जी, बताएं। मेरे आनंद, मेरा दांतों में कैविटीज हो चुकी है। ओके, तो कैसे ठीक करें, क्या उसमें लगा सकते हैं? जी देखिए, दांतों में जो कैविटी होती है, आपका दांत इतना स्ट्रांग स्ट्रक्चर होता है कि अगर उसमें कैविटी लग जाए तो कोई लोकल रेमेडी से उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, जब तक उसको एक बहुत हाई स्पीड मूविंग इंस्ट्रूमेंट से, जो कि हमारे एरोटर होते हैं, वो सिर्फ हमारे डेंटल क्लिनिक में अवेलेबल होते हैं। तो आई रिकमेंड कि आप जाके डेंटल क्लिनिक में जाके एक बार उस कैविटी को हटवा के फिलिंग करा दीजिए। इनिशियल स्टेज में बहुत आसान होता है, बहुत छोटा प्रोसीजर होता है और एकदम पेन फ्री होता है। बिल्कुल, इनिशियल स्टेज में बहुत छोटा प्रोसीजर होता है, पेन फ्री होता है, सो इट्स बेटर कि आप इनिशियल स्टेज में जाएं और अपने दांतों की ट्रीटमेंट कराएं, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, आपने हमें बताई खास टिप, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, आप अपना ख्याल रखिए।